आगे हमने देख लिया है चैप्टर 4 देश के नाम संदेश जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जी उन्होंने जो लिखा है कि हम अपने देश के प्रति जो नियम है वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने हमको बोला है कि हम सबको हमारे भारत देश के जो नीति नियम है वो सब अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। वो लेसन पूरा हो गया था। आज उसके एक्सरसाइज में बोर्ड पे लिखती हूँ, मैंने आपको बोला था कि इनके शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है, इनके अभ्यास के जो स्वाध्याय है एक्सरसाइज है वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। उसकी बात का क्वेश्चन है थर्ड नंबर, पत्र में क्या वर्णन किया गया है, पत्र में क्या वर्णन किया है, उसका आंसर है पत्र में भारतीय Gracias.
थी उनके शिकायत शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। इसके बाद का है फोर्थ नंबर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवार जनों को क्या कहा है, क्या कहा है। आंसर है पत्र के अंत में, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवार जनों को प्रणाम कहा है। पत्र में क्या वर्णन किया है, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है, तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। ये अभ्यास के चौथे क्वेश्चन आंसर है। जो सर्वे के क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगी, आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। अभ्यास के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो और स्वाध्याय के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो। इसके बाद है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। Yeah.
आप अच्छी तरह से हिंदी के नोटबुक में लिख देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।